हाँ जी, तो एकेडमोस्ट जूनियर के कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यार कि आप तो सर जब से जेई की डेट्स आई है आप तो सीनियर्स की बातें कर रहे हो, हमसे तो आप भूल गए बात करना। नहीं भूले यार, आपसे आज बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो आपके लिए लाए हैं, बहुत ही प्यारा सा आपके लिए ऑफर भी लेके आए हैं। तो यार आज की वीडियो होने वाली है अबाउट 2023 में क्या दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन पाओ इन योर क्लास 9th और 10th। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th में हो भी हो, क्लास 10th में हो भी हो, और आप चाहते हो कि यार आपकी एक अर्ली जेई प्रिपरेशन या एक अर्ली ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन हम करा दें, तो ये बेस्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। हमारा एक फाउंडेशन कोर्स भी आता है जो आप ही स्टूडेंट्स के लिए है, इस पे टिल 30 दिसंबर एक ईयर एंड डिस्काउंट भी हमने निकाला है। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है इसमें, जिसमें मैंने भी आपको कई सारी चीज़ें कवर कराई हैं, तो आप मुझसे खुद पढ़ रहे होंगे, उस पर आपको 25% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेक अवश्य करिएगा, बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि यार 2023 में किन दो तीन चीज़ों की बात हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा ना, आपको अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना है। फर्स्ट थिंग अगर कोई लाइफ में चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ योर हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होती है ना, आपने 90% गेम क्लियर कर लिया है। ओके, मैं कई स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि यू नो दे डोंट हैव द एप्टीट्यूड ऑफ स्टडिंग, और दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू स्टडी फॉर वट एवर रीजन। इनको मैं केवल एक बात बोलता हूँ कि आपके लिए ना स्टडीज एक ब्रश की तरह होनी चाहिए। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, ब्रश करने में किसी को मजा आ रहा है क्या? ब्रश करना कोई आपको ऐसा एक्टिविटी है कि भाई तुम पुश करते हो अपने आप को उसको करने के लिए? नहीं, वो बस एक हैबिट बन गई है कि सुबह उठते ही ब्रश करना है। मे बी वी डोंट लाइक इट, मे बी वी लाइक इट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आर रूटीन बिकॉज इट्स गुड फॉर अस, राइट? तो वैसे ही आपके लिए स्टडीज भी एक रूटीन का हिस्सा बन जाना चाहिए कि यार पढ़ाई तो करनी है। वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, इट शुड बी अ हैबिट। इट शुडेंट बी कि आपको, जैसे कहीं मुझे कल एक बच्चा पूछ रहा था कि मुझे मूवीज देखने में जितना इंटरेस्ट आता है उतना पढ़ाई में कैसे ला सकते हैं। नहीं हो सकता ऐसा, यू विल हैव टू मेक इट अ हैबिट। ओके, तो आपको अपनी हैबिट बढ़ानी पड़ेगी कि आप डेली एक्स्ट्रा 1 to 2 आवर्स लगाओ, क्योंकि ये नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे हैं तो आपको बाद में जेई में बहुत डिफिकल्टी आएगी। ओके, जो सेकेंड मैं आपको टिप दूंगा वो ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या होता है? तो 9th और 10th में जो पढ़ाई होती है ना, दैट इज़ अ लॉट मोर थियोरेटिकल इन नेचर। आपको थ्योरी टाइप्स की पढ़ाई ज़्यादा कराई जाती है, जहाँ पे आप यू नो थियोरेटिकल चीज़ें देखते हो। आप वहाँ पे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह, बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट एज मच इन योर क्लास 9th 10th। लेकिन 11th 12th में जेई में दबा दबा के केवल न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स है, जेई नीट जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो आप स्ट्रगल कर जाओगे। इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स 11th की स्टार्टिंग में दे आर नॉट एबल टू डू वेल, और फिर वो 12th तक कैरी ओवर होते हैं। तो अगर आप अभी से अपने आप को प्रॉब्लम ओरिएंटेड बना देते हो कि आप जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके NTSC हो गया, आपका ओलंपियाड्स हो गए, ये सब क्वेश्चन, या आपकी रिफ्रेशर बुक्स वगैरह हो गई, या आपकी कोचिंग की मॉड्यूल ही हो गई, इन सब चीज़ों से अगर आप क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा करता है, विच इज़ आई थिंक गुड। ओके, एंड थर्ड एडवाइस जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आपको थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस्ड बनना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू हैव टू सेट अ गोल। तो देखिए, मैं कई बच्चों को बोलता हूँ कि अ गोल विच इज़ नॉट प्लान्ड इज़ अ गोल दैट इज़ नॉट अचीव्ड। तो कई लोग ऐसे बस हवा में बातें करते हैं कि यार हमें जेई निकालना है, या हमें XYZ कोई भी एग्जाम है, विच इज़ जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रेप कर रहे हो, आप KVPY के लिए एम कर रहे हो, आप कोई फिजिक्स ओलंपियाड या जेई जो भी है, आपने बस ऐसे ही बोल दिया कि यार मुझे तो ये चीज़ करनी है, उससे कुछ नहीं होता है। आपको एक्टिवली उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्टिवली उसके लिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको उसके लिए पढ़ाई और फोकस अपना देना पड़ेगा। अब ऐसे बस रैंडम बस गोल बना दें, उससे कुछ नहीं होता। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि यार इस एग्जाम में 9 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, तो पहले 5 मंथ्स में सिलेबस कवरेज करूंगा, फिर 3 मंथ्स में रिविजन करूंगा, और लास्ट के 1 मंथ में मैं टेस्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर इसमें भी 5 महीने के अंदर कैसे कैसे सिलेबस कवर करोगे, पहले मंथ में क्या क्या करना है, पहले वीक में क्या करना है, ऐसी प्रॉपर एक नोटबुक में प्लानिंग करोगे ना, तब जाके गोल अचीव होता है। ठीक है, और अगर आपको अपना जेई का गोल और अच्छे से अचीव करना है, आपको अपना ओलंपियाड का गोल और अच्छे से अचीव करना है, तो आप हमारे एकेडमिक फाउंडेशन कोर्स में डेफिनेटली एनरोल हो जाइएगा। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स और आपके सीनियर्स इस कोर्स में एनरोल हुए थे, आपके कई सारे सीनियर्स जो इसमें एनरोल हुए थे ना, वो आज अपनी जेई प्रिपरेशन में भी इतना आगे चल रहे हैं, 11th या 12th में भी जो है बच्चे इतना बढ़िया वो टॉप अप कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट वगैरह में। आपको बहुत एडवांटेज एकदम दिखेगा इस कोर्स को करके, क्योंकि मैंने खुद जब मैं 9th 10th में था, मैंने बहुत सारे ओलंपियाड वगैरह निकाले थे, आपका IJSU NTSC सब में मेरी रैंक्स भी टॉप रैंक्स वगैरह आई थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि भाई बच्चों को क्या क्या एग्जैक्ट चाहिए होता है, वो सब कुछ मैंने इसमें डाला, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप कहीं और जाइए, आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जहाँ पे खुद एक बंदा जिसने एग्जाम्स निकाले हैं, टॉप किए हैं इंक्लूडिंग JEE,
वो आपको बता रहा है कि हाउ टू डू दीज थिंग्स. सो यू विल डेफिनेटली लव इट, बहुत मजा आएगा आपको. और अभी डिस्काउंट भी है टिल टमोरो, टिल 30th of December. ओके, टुमारो गलती से बोल दिया, तो आप इसमें डेफिनेटली एनरोल हो सकते हैं यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार. तीनों बातें हमने बोली, पहला क्या हैबिट्स बिल्ड करो, दूसरा प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, एंड तीसरा वेल प्लान्ड गोल पे फोकस हो जाओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब कर देना यार. मेरे सोशल्स के लिंक, कोर्स के लिंक सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. बेस्ट ऑफ लक.